तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर का एक छोटा सा बेसिक सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे टेंथ हो, ट्वेल्थ हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछना ही पूछना है। हो सकता है कि इस टॉपिक को आप पहले से ही जानते हो। उस टॉपिक का पता है क्या नाम है? ज़िद। ज़िद जिसको हिंदी में कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, विपरीतार्थक शब्द, और इंग्लिश में कहा जाता है एंटोनिम, यानी कि वैसे शब्द जिसका अर्थ दूसरे शब्द के बिल्कुल उल्टा हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, उसी को कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द, जैसे कि आसमान का उल्टा ज़मीन। तो इसको हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द और इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम। बस उसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? ज़िद या फिर मुतज़ाद। ठीक, तो ये आप लोग तो पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो आप लोग बनाकर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतना आसान ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा कि बताइए आसमान का ज़िद क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, तो ज़मीन ऑप्शन में दिया रहा, इतना आसान नहीं पूछता है। कोई ऐसा शब्द उठा लेगा जो कि मतलब जिसका अपोजिट आप लोगों को मालूम ना हो। ठीक, तो इसीलिए कुछ अल्फाजों को मैं लिख दी हूँ और उसका ज़िद बना दी हूँ, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बना दी हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना भी ब्लैक कलर से लिखी हूँ ये अल्फाज है, यानी कि ढेर सारे लफ्ज़ हैं, और ब्लू कलर के मार्कर से जितना भी मैं लिखी हूँ लफ्ज़ों को, वो अज़दाद है, यानी कि इन सभी लफ्ज़ों का ज़िद विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है जिस्म। जिस्म का उल्टा विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? रूह। ईमान का तो कुफ्र, तल्ख का तो शीरी, खुशबख्ती का अपोजिट वर्ड ज़िद क्या होगा? बदबख्ती। गरीब का ज़िद अमीर, लायक का ज़िद, या फिर आप बोल सकते हैं मुतज़ाद, नालायक। स्याह का ज़िद यानी कि मुतज़ाद क्या होगा? सफ़ेद। इंसान का हैवान, मोमिन का काफिर, नशीब का फिराज, जाहिल का आलिम, गम का खुशी, फ़ायदा का तो नुकसान। ये सब क्या है? एक दूसरे के ज़िद अजदाद है। ठीक, उसके बाद से आगे है पुख्ता का तो खाम, मगरिब का ज़िद यानी कि अजदाद, आप बोल सकते हैं विपरीतार्थक शब्द क्या है? मशरिक। अव्वल का तो आखिर, आराम का ज़िद तकलीफ़, अमानत का ज़िद या फिर मुतज़ाद क्या कहलाएगा? ख़यानत। ठीक, अमानत का ख़यानत। बुलंद का पस्त, जुल्म का नूर, कबीर का सगीर, शुमाल का ज़िद जुनूब, और मौजूद का तो मादूम, बहार का तो ख़ज़ा, गायब का तो हाजिर, वीरान का ज़िद यानी कि विपरीतार्थक शब्द अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? आबाद। सुकून का तो हरकत, फतह का तो शिकस्त। ठीक, फतह का मतलब जीत जाना और शिकस्त का मतलब होता है हार। ठीक, जुल्म का तो रहम, आशिक का तो माशूक, मारूफ का तो मजहूल, बावफा का तो बेवफा, ये क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। रहमत का ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड ज़हमत, कमाल का अपोजिट जवाल, दोजख का अपोजिट यानी कि ज़िद बहशत, करीब का तो बईद, ये थोड़ा सा मिटक गया है करीब, इसको अच्छा से लिख दे रही हूँ मैं, करीब ये ऐसे रहेगा। ठीक है, करीब। करीब का ज़िद क्या होगा? बईद। लफ्ज़ का तो मानी, सवाब का तो अजाब, जन्नत का तो जहन्नुम, हलाल का तो हराम, उम्मीद का तो ना उम्मीद। ठीक, तारीफ़ का ज़िद अपोजिट वर्ड शिकायत। ठीक, और उसके बाद से आमद का तो खर्च, ज़ाहिर का तो बातिन, खुश्क का तो तर, जंग का ज़िद क्या होगा? अपोजिट वर्ड अमन, जदीद का तो कदीम, आगाज़ का तो अंजाम। ठीक, इज़्ज़त का तो ज़िल्लत, आफ्ताब का तो महताब, आफ्ताब का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ज़िद महताब, हक का तो बातिल, ज़मीर का अपोजिट वर्ड नज़ीर, इब्तदा का ज़िद इंतहा, नाम का ज़िद गुमनाम, मुख्तसर का तो तवील। ठीक, मुख्तसर मतलब क्या? लघु, और उसके बाद से तवील का मतलब दीर्घ। ठीक, आबादी का तो बयाबान। तो ये कुछ लफ्ज़ों का मैं ज़िद बनाई थी, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो इन सभी लफ्ज़ों को आप लोग दो तीन बार ज़रूर पढ़ें, हो सकता है कि इन्हीं लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ उठाकर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ दे, तो इसका ज़िद आप लोग को मालूम रहेगा, तभी तो आप लोग सही टिक करके आएंगे ना। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।